नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरौला मेन रोड पर ग्राम अखराड़ निवासी विक्रम सिंह की एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक युवक देर रात शादी पार्टी कार्यक्रम से वापस बाइक में सवार होकर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान ग्राम भरौला मेन रोड अंधा मोड़ पर अचानक सामने से किसी वाहन के आ जाने से युवक की बाइक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें विक्रम सिंह की मौत हो गई। मृतक युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ ड्यूटी डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं एक वर्ष पूर्व घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मृतक युवक के पिता योगेंद्र की भी रोड एक्सीडेंट के दौरान मौत हो चुकी थी। पीएम कार्रवाई के बाद मृतक युवक के शव को उसके गृह ग्राम में ले जाया गया, जहां घटना की खबर लगते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं जिले के चंदिया थाने अंतर्गत मेन रोड पर बंका तिराहे के पास कार की टक्कर लगने से साइकिल सवार युवक दद्दू सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची एवं जांच कार्रवाई और पीएम के बाद दोनों शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया एवं मामले की पुलिस जांच कर रही है। आज पूर्णमासी के दिन आसमान चढ़ता है खेत में हमारे, जो भाई हमारा महिला वाला जो है तो साइकिल से जा रहा था पिसाने के लिए चंदिया, और चंदिया गया जब तो अचानक उसको फोर व्हीलर से धक्का लगा तो फेंका गया और खत्म हो गया। ये घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है और ये जो बांका की रोड है इसमें ये रोड आगे से आने पर कुछ समझ में नहीं आती कि यहाँ से रोड है, और गाड़ी वाले इतनी गति से चलते भागते चले आते हैं कि उधर से आदमी यहाँ पड़ता है, अचानक निकल पड़ता है और एक्सीडेंट हमेशा हो जाता है। रात को करीबन 10 बजे भरौला में, जैसे भरौला एंट्री करते हैं वैसे सामने से गाड़ी आ रही थी, उसकी लाइट पड़ी और उसी में लड़का ही अनबैलेंस होके रोड के डिवाइडर में टकराया है। पर मोड़ है और मोड़ में घर बना हुआ है, जिसका सुनते हैं कि उसका मुआवजा वगैरह हो गया है। अब उसी के ओट के कारण गाड़ी सामने से जो आती है वो दिखती नहीं है, अब उसी के कारण ये अचानक गाड़ी सामने से लाइट पड़ी और ये लड़का अनबैलेंस हुआ और गिर गया। वो मकान जो है, वो मकान पहले भी कई हादसे इस तरह के हो चुके हैं, प्रशासन पता नहीं उस मकान को क्यों नहीं हटवाता, जबकि मुआवजा वगैरह सब हो गया है। बड़ा ही दर्दनाक घटना है और भविष्य में भी लगता है कि अगर वहाँ पर ठीक से रोड का साफ सफाई नहीं हुआ तो भविष्य में भी इस तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी ही रहेगी। कल रात में तकरीबन 10 और 11 के बीच में विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति का, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, एक्सीडेंट भरौला के आसपास हुआ था और वहाँ पर परीक्षण के दौरान 108 वालों को मृत पाया गया और उसको यहाँ लाया गया और आज सुबह मेरे द्वारा उसको पीएम किया गया, जिसमें गंभीर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण चोट लगना मिला है और ये संभवतः उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। उमरिया तरफ से बाइक में जा रहे थे चंदिया साइड, तो जोर से आवाज़ आई तो हम घटना पे तक पहुंचे तो घटना में तड़प रहे थे, बता रहे हैं खड़ार के बताए जा रहे हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर उनको हंड्रेड में डाल करके हॉस्पिटल पहुँचा। ऐसा एक्सीडेंट वाले खुद गए थाने बताए, उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई है कि पाका तिराहे के पास एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, जो साइकिल से आ रहा था। तो जना पर हम अपन जो है, हमारा रजिस्ट्रार है, एस आई रिसिया है, साहु साहब है, सिटी को लेकर गए मौके पर। मृतक नरेश उसके दद्दू सिंह गौड़ है, पिता का नाम गोविंद सिंह है, बाका के रहने वाले हैं, उम्र करीब 55-56 साल की है। मौके पर खत्म हो गए थे, तो जना मैं कार्रवाई पश्चात सबको पीएम के लिए। विक्रम सिंह जो है अखलाड़ की थाना चंदिया के हैं, कल शादी पार्टी में उमरिया आए हुए थे अपनी बाइक से। वापसी के समय रात के करीबन 10 बजे करीबन भरौला के पास रोड क्रॉसिंग के दौरान बाइक स्लिप होने से डिवाइडर में टकराने से उनकी मौत हुई थी, जिनको इलाज हेतु यहाँ लाया गया था उमरिया अस्पताल में। उनकी डेथ होने से उनका पीएम कराया गया है। पीएम बात के उसके को दफन दफन हेतु वारसानों के साथ उनके ग्राम को निवास किया गया है, रवाना किया गया सौवान से। उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।